दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा की बबीता जी के बारे में, जिनका असली नाम मुनमुन दत्ता है। मुनमुन दत्ता को तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन इस वीडियो में हम इनकी लाइव स्टोरी और बायोग्राफी के बारे में बताने वाले हैं। आखिर कैसे खुद के दम पर इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई और करंटली कैसी लाइफ स्टाइल को फॉलो करती है, क्या आपको पता है? अगर नहीं पता तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपको मुनमुन दत्ता यानी बबीता जी पसंद है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मुनमुन का रियल नेम मुनमुन दत्ता है और निक नेम बबीता है। मुनमुन दत्ता प्रोफेशन से एक एक्ट्रेस है। मुनमुन दत्ता का जन्म 28 सितंबर 1987 को दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में हुआ और 2021 के हिसाब से ये 34 साल की है। मुनमुन दत्ता ने स्कूलिंग ऑक्सफोर्ड मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल कानपुर उत्तर प्रदेश से की और इसके बाद मुनमुन दत्ता हायर एजुकेशन के लिए पुणे शिफ्ट हो गई और पुणे से मास्टर ऑफ आर्ट्स यानी MA इन इंग्लिश की डिग्री हासिल करी। अब बात करते हैं मुनमुन दत्ता के करियर के बारे में। दोस्तों मुनमुन के पिता और माँ एक सिंगर थे, तो इसी वजह से मुनमुन को भी बचपन से सिंगिंग में काफी इंटरेस्ट था और चाइल्ड सिंगर के तौर पर मुनमुन दत्ता आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए गाती भी थी। और जब मुनमुन पुणे में रह रही थी तब इन्होंने एक फैशन शो में पार्टिसिपेट लिया था, जिसके बाद मुनमुन दत्ता मुंबई आ गई और यहाँ इन्होंने कई मॉडलिंग इवेंट में पार्टिसिपेट लिया और इसी दौरान इन्हें जी टीवी का सीरियल मिला जिसका नाम हम सब बाराती हैं। और इस सीरियल से मुनमुन ने अपना एक्टिंग डेब्यू किया और 2005 में फिल्म मुंबई एक्सप्रेस में काम करने का मौका मिला और 2006 में पूजा भट्ट के डायरेक्शन में बनी फिल्म होलीडे में काम किया, जिसमें मुनमुन दत्ता ने सूली का बेहतरीन किरदार निभाया। और फिर मुनमुन को दो साल तक न किसी सीरियल न किसी फिल्म में काम मिला, लेकिन साल 2008 में इनको इंडिया का सबसे पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो मिला, जिसमें ये बबीता का किरदार निभा रही है और ये शो अब तक चल रहा है और लगभग 13 साल से मुनमुन दत्ता यानी बबीता जी इस शो में काम कर रही हैं और यही शो के कारण मुनमुन दत्ता को पहचान मिली। आज इनको इनके असली नाम से कोई जानता हो या ना जानता हो, लेकिन हर कोई इन्हें बबीता के नाम से जरूर जानता होगा। दोस्तों बबीता के किरदार में मुनमुन दत्ता कई शो में गेस्ट के तौर पर दिखी हैं। मुनमुन CID, इंडियन आइडल 10, इंडियाज बेस्ट डांसर, कौन बनेगा करोड़पति 13 और बिग बॉस 15 में गेस्ट के तौर पर दिख चुकी हैं। और इन्होंने 2015 में फिल्म ढिंचक एंटरप्राइजेस में काम किया और साल 2018 में एक शॉर्ट फिल्म आई इसका नाम था द लिटिल गॉडेस। दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताना मुनमुन दत्ता यानी बबीता जी आपको कैसी लगती हैं। अब बात करते हैं मुनमुन दत्ता के हाउस के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मुनमुन दत्ता का मुंबई महाराष्ट्र में एक सुंदर सा घर है और इन्होंने अपने घर का टूर भी कराया है और इनके घर का टूर वीडियो आप इनके चैनल पर देख सकते हैं। चलिए मिलवाते हैं आपको मुनमुन दत्ता की फैमिली से। तो दोस्तों 2018 में इनके पिता का निधन हो गया था और जैसा कि इस पिक्चर में आप इनकी माँ को देख सकते हैं। और बात करें इनके बॉयफ्रेंड के बारे में, तो दोस्तों सितंबर 2021 में न्यूज आई के मुनमुन दत्ता और राज अनादकत यानी टापू एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है। आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। अब बात करते हैं मुनमुन दत्ता के इनकम के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मुनमुन दत्ता एक एपिसोड में काम करने के लिए 40,000 से 50,000 रुपए तक चार्ज करती है और इनका एक व्लॉग चैनल भी है और ये यूट्यूब से भी अच्छा खासा अर्न कर लेती है और साथ ही साथ ये कई ब्रांड को इंडोर्स करके लाखों रुपए कमा लेती है। वहीं बात करें मुनमुन दत्ता के नेटवर्थ के बारे में, तो दोस्तों इनका नेटवर्थ है 15 करोड़ रुपए। अब बात करते हैं मुनमुन दत्ता के कार कलेक्शन के बारे में। तो इनके कार कलेक्शन में पहली कार है स्विफ्ट डिजायर जिसकी कीमत है 9 लाख रुपए और दूसरी कार इनके पास है टोयोटो इनोवा क्रिस्टा जिसकी कीमत है 23 लाख रुपए। तो ये थी मुनमुन दत्ता यानी बबीता जी की लाइफ स्टाइल वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और ये भी कमेंट करके जरूर बताना नेक्स्ट वीडियो के सेलिब्रिटी के बारे में चाहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो कर देना लाइक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।